नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में मैंने कई भक्तों की आपको कथाएं सुनाई हैं। आज की श्रृंखला में मैं बाबा के अन्य अन्य भक्त, महाराज जी के अन्य अन्य भक्त प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट और बाबा के दिए हुए नाम ऋषि नाम से वो फेमस हुए रामदास से संबंधित बातों को आपसे साझी करूंगा, क्योंकि रामदास अभी हाल में ही 22 दिसंबर 2019 को इस संसार से विदा ले गए हैं, अनंत यात्रा पर निकल गए हैं। मैंने आपको उनके संबंध में कई कथाओं में बताया हुआ है और आज उन्हें दस्तक मीडिया की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि, महाराज जी के संपूर्ण भक्त परिवार की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम बाबा के पास अल्पर्ट जी कैसे आए, कैसे भक्त बन गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में जो व्यक्ति प्रोफेसर था वो सब कुछ छोड़ छाड़ के संत बन गया था, महाराज जी का भक्त बन गया था, उन सब बातों को साझी करने का आपसे मेरा मन है। 1967 में रामदास जी यानी प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट यहां आए हुए थे। उनकी एक पर्यटन की दृष्टि से एक यात्रा थी भारत की, और उनकी एक मित्र जो साथ में आए हुए थे वो महाराज जी से लगाव रखते थे। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि अल्पर्ट जी ऐसा करते हैं कि चलो यहां पर एक संत हैं बाबा नीम करोरी वाले, उनके दर्शन कर लेते हैं। अल्पर्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं था उनमें, न आध्यात्मिक की ओर उनका कोई झुकाव था, लेकिन मित्र गए तो उनके साथ वो भी चले आए। मित्र ने बहुत ही आदर के साथ महाराज जी को प्रणाम किया, अल्पर्ट ने ऐसा कुछ नहीं। खड़े रहे अल्पर्ट से महाराज जी ने दोनों मित्रों से कहा कि जाओ प्रसाद ले लो। ये पहली जो उनकी मुलाकात हुई है कैची धाम के पास भूमियाधार आश्रम है उसमें हुई थी। तो भूमियाधार आश्रम में उन्होंने कहा कि जाइए प्रसाद ले लीजिएगा, तो उनका मित्र चला गया और वो खड़े रहे। तो महाराज जी ने उनसे कहा, आपको याद होगा मैंने एक कथा में सुनाया था कि अल्पर्ट से पूछा कल तू खुले आसमान में नीचे खड़ा रहा, तेरी मां तुझसे क्या कह रही थी? जैसे ही मां का जिक्र आया प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट चौकन्ने हो गए, क्योंकि महाराज जी ने कल की घटना को पूछा था और वो भूमियाधार से कई किलोमीटर दूर की घटना थी। अल्पर्ट रात में एक होटल में रुके हुए थे और जब वो लवशंका के लिए वहां से उठे तो खुला आसमान था और अचानक उन्हें मां की याद आ गई। जब मां की याद आई, क्योंकि मां 9 महीने पहले इस संसार को विदा कर गई थी, मां की याद में वो रोने लगे और जब रोए उनके आंसू गिरे तो मां की स्पष्ट आवाज में उन्हें सांत्वना मिली। मां ने संबोधित करते हुए अल्पर्ट को सांत्वना दी। तो ये घटना जो थी वो अल्पर्ट ही जानते थे, केवल कोई दूसरा व्यक्ति साझी नहीं कर रहा था। तो उस घटना के बारे में महाराज जी ने जिक्र जैसे ही किया और ये बताया कि 9 महीने पहले तेरी मां स्प्लीन बीमारी से खत्म हो गई थी, चली गई थी। तो अब अल्पर्ट का दिमाग घूम गया, बोले जो बात मुझे मालूम थी ये महाराज जी को कैसे मालूम हुई, या ये संत को या बाबा को कैसे मालूम हुई। इसी बीच महाराज जी ने उनसे एक चीज और कही,
कि भाई लैंड रोवर कार जो है ना तेरी, वो हमको दे दे। बड़ा अजीब सा लगा दो चीजें जब वो कह रहे हैं उधर कार के वाले, क्योंकि वो ज्यादा भावुक ना हो जाएं और उस चीज को लेकर वो कार की जिक्र छेड़ देते हैं। एल्बर्ट को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। और बता दूं मैं आपको कि एल्बर्ट एक नशे के ऊपर सर्च कर रहे थे। नशा जो साइनेटिक कहते हैं, साइकोनेटिक नशा जो होता है, उसमें जब व्यक्ति साइकोनेटिक नशा ले लेता है तो उसकी जो है दिमाग की प्रक्रिया, आचार विचार, हाव भाव, ये सब बदल जाते हैं। तो उन पर बहुत लंबे समय से रिसर्च कर रहे थे और ज्यादा मात्रा में लेने पर उससे मौत भी हो जाती थी, तो वो भी उनके पास उस समय था। हुआ ये कि एल्बर्ट जब दो बातों से, जब माँ की याद की बात और ये कार मांगने की बात जब महाराज जी की एक घटना में हुई, तो उन्हें कुछ लगा कि महाराज जी से कुछ है, तो वो बैठ गए। तो उन्होंने जो उनके पास नशे की गोलियां थी, तो अचानक उन्होंने कहा कि महाराज जी ये जो नशा करते हैं ज्यादा मात्रा में खा ली जाए तो आदमी मर भी जाता है, तो एक गोली या दो गोली देने का प्रयास किया, क्योंकि वो तो केवल एक धुन में थे कि हम केवल एक प्रयोग करें। महाराज जी ने उसके हाथ में जितनी गोलियां थी उतनी सब लेके और सारी की सारी खा ली और पानी पी लिया। अब एल्बर्ट को ये लगा कि अब जो संत से मिलने आए ये बचेंगे नहीं, ये बाबा जी मर जाएंगे। जब बिल्कुल ये लगा कि ये मर जाएंगे तो उनका महाराज जी क्या कर रहे हो और ये मर जाओगे और कैसे, अपना महाराज जी एकदम थोड़ी सी ऐसी हरकतें की इन्होंने दिखाने में कि साहब कुछ असर हुआ, लेकिन सामान्यतः। और एल्बर्ट को यह लगा कि आज इनके मरने का जो कलंक है वो हमको लगेगा, घबरा गए बहुत बुरी तरह से, लेकिन महाराज जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लगातार तीन घटनाएं हुई महाराज जी के साथ, एल्बर्ट की जो मौजूदगी थी वो एक ऐसी मोड़, ऐसे मोड़ पर चली गई थी जहां एल्बर्ट अपने शेष जीवन को आध्यात्मिकता की खिड़की से झांकने लगे। ये पलों की बात थी, क्षणों की बात थी, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में जो आ जाता था वो महाराज जी का हो जाया करता था। एल्बर्ट अब महाराज जी के सानिध्य में बैठे हुए थे, उनका मित्र भी बैठा हुआ था, अब वो चाह रहे थे कि हम इनसे कुछ बातचीत करें। महाराज जी ने हमें पूरा मौका दिया और फिर उन्होंने ये कहा कि हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। सीखने की प्रक्रिया की जब बात आई तो महाराज जी ने कहा कि आदमी तो जिंदगी भर सीखता रहता है। और फिर उस दिन वो दोनों मित्र वहां से चले गए, लेकिन जहां वो रुके हुए थे वहां से पुनः महाराज जी की कुछ ही अंतराल के बाद मिले आकर। महाराज जी के साथ उन्होंने ऐसा आध्यात्मिक आत्मिक संबंध बनाया कि रिचार्ड एल्बर्ट को महाराज जी ने रामदास नाम दिया और रामदास ने भी अपनी सारी जिंदगी पीछे की जो थी उसको भुलाकर एक नए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रण कर लिया, संकल्प ले लिया। एक तरफ उनकी जिंदगी एक अध्यापक प्रोफेसर के रूप में शुरू हुई थी और वो साइकोलॉजी के अध्यापक थे, हार्वर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और उनका एक दूसरा जो क्षेत्र था जिसपे वो रिसर्च कर रहे थे वो नशा था। नशे के ऊपर वो जो सर्च कर रहे थे ये सब वो भूल गए जब वो गोलियां महाराज जी ने खाई और उनका कोई असर उन पर नहीं हुआ, बल्कि उनके अनुसार उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। यहां से उनके अध्यात्म पर चलने का रास्ता खुल गया।
दोनों लोग महाराज जी और एल्बर्ट अर्थात रामदास जी अब एक दूसरे के बहुत नजदीक हो गए और उनके सानिध्य में एल्बर्ट रहने लगे। बहुत लंबे समय तक उनकी क्रियाओं, उनकी प्रतिक्रियाओं, उनके साथ आध्यात्मिक चर्चाएं, आध्यात्मिक पथ में जो कुछ करना था, यानी हम ये कहें कि महाराज जी का जो मंत्र था राम राम, वो उसमें रम गए थे। हुआ ये कि जो व्यक्ति एक पर्यटन की दृष्टि से भारतवर्ष में आया था, वो अब एक आध्यात्मिक मानव बन गया था, आध्यात्मिक संत बन गया था। सन 1967 की यह घटना है और एल्बर्ट अब निरंतर अपने काम की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र था वो पहले नशा था और नशा के कारण उन्हें जिंदगी में कई बार ऐसे प्रयोग या ऐसी अपमानजनक स्थितियों से भी गुजरना पड़ा जो एक प्रोफेसर के लिए सम्मानजनक नहीं थी। लेकिन अब जिस रास्ते पर गुजरे थे वहां से बहुत बड़ा समुदाय उनके पीछे था, बहुत बड़ी प्रसिद्धि उनकी थी, ख्याति होने लगी थी और अब रामदास जी एल्बर्ट को भूल चुके थे, वो पूरी तरह से राममय हो गए थे, रामदास हो गए थे। रामदास ने फिर एक किताब लिखी। महाराज जी के सानिध्य में जब रह रहे थे तब उन्होंने एक किताब लिखी, लिव हियर नाउ, यानी कैसे रहा जाए। जिंदगी जीने के बाद, जिंदगी जीते हैं जब आदमी और पूरी जिंदगी में ये नहीं जान पाते कि कैसे रहा जाए, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी और जो उस समय 20 लाख प्रतियां उनकी बिक गई थी। पूरे विश्व में उनका एक अलग से नाम हो गया था, उनकी ख्याति फैल रही थी। इसके बाद महाराज जी के जो आध्यात्मिक क्रियाएं थी, महाराज जी के भक्त बन गए थे, तो अब अपने देश में भी जाकर उन्होंने बाबा नीम करोली के भक्त बनाने शुरू कर दिए थे और अपनी बातें, अपने अनुभव लोगों को जब दिए तो बड़ी, बहुत बड़ी संख्या में विदेश में उनके साथ भक्त बने। फिर महाराज जी जब 1973 में अनंत यात्रा पर निकल गए तो उन्होंने एक किताब लिखी 1979 यानी 79 में, मिरेकल्स ऑफ लव। मिरेकल्स ऑफ लव में उन्होंने महाराज जी की सैकड़ों कथाएं, सैकड़ों सत्य घटनाओं का संकलन किया है। आज भी हम आपको बता दें कि जब ये पुस्तक जब किसी कोई पढ़ता है तो वो आध्यात्मिक के रास्ते चल पड़ता है। मैंने आपको पिछले समय दिल्ली में एक प्राग जो मिले तो हुए थे विदेशी, उन भैया से हमने परिचय कराया था और उनका जो इंटरव्यू ट्रांसलेट करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में करके मैंने आपको दिखवाया था, तो वो भी मिरेकल्स ऑफ लव पढ़कर ही बाबा जी के भक्त बने थे, महाराज जी के भक्त बने थे। मित्रों, ये सारी बातें आज बताने का तात्पर्य ये है कि जब कोई अनंत यात्रा पर चला जाता है तो निश्चित रूप से उसकी जो जीवनी होती है और जो जानकारी होती है वो आंखों में घूमती है, उसकी एक रील सी बन जाती है और कुछ ही देर में वो सारी चीजें संज्ञान में आती हैं। मेरा मन था कि संत महाराज जी के अन्य भक्त रामदास जी को दस्तक मीडिया की तरफ से, भक्त परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि दी जाए, तो उनको याद करते हुए हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और महाराज जी से निवेदन करते हैं कि जीवन काल में आपने उन्हें अपना सानिध्य दिया, अब उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। जय।